इंडिया ने हाल ही में अपनी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया। चाइना अग्नि मिसाइल के इन टेस्ट को लेकर पहले से ही थोड़ा प्रोटेस्टिंग मोड में था, उसके लिए थोड़ी परेशानी की खबर बन गई। कुछ दिनों पहले फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट किया कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, लेकिन उसे छुपा रहा है। किसी मिसाइल को हाइपरसोनिक की कैटेगरी में होने के लिए मिनिमम मैच 5 की स्पीड जरूरी है। अभी मैच 5 स्पीड क्या है? एक्चुअली इसका मतलब है साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड। इसका एक साधारण सा एग्जांपल समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा गांव किबीथू इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये तकरीबन 3350 मीटर की ऊंचाई पर बना बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में बसा गुहर मोटा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर कभी कच्छ में होने वाले रन उत्सव में जाने का इरादा बने तो यहाँ जरूर जाइएगा। अरुणाचल के किबीथू से गुजरात के गुहर मोटा की दूरी तकरीबन 3790 किलोमीटर है, तो किसी सबसे कम दूरी वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को भी किबीथू से गुहर मोटा तक पहुंचने में महज 40 मिनट लगेंगे और अग्नि 5 की स्पीड इससे कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अग्नि 5 के इन टेस्ट से इंडिया को स्ट्रेटजिकली कितनी बढ़त हासिल हुई है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि चाइना इसके अगेंस्ट क्यों बातें कर रहा है, और वीडियो के कंक्लूजन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, इंडिया ने अग्नि सीरीज की मिसाइल्स पर 1989 से ही काम करना शुरू कर दिया था और अग्नि 1 नाम की फर्स्ट मिसाइल का टेस्ट किया था। इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास थी, यानी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM उन मिसाइल्स को कहते हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा और 5500 किलोमीटर से कम होती हैं। 89 में सिर्फ USA, सोवियत रशिया, चाइना, फ्रांस और इसराइल के ही पास IRBM मिसाइल्स थीं। DRDO ने तब से ही अग्नि की इंटरमीडिएट रेंज पर काम करना शुरू कर दिया था और आज इंडिया के पास एक फुली ऑपरेशनल IRBM मिसाइल अग्नि 3 है। खैर, अब हम आपको अग्नि 5 मिसाइल की कुछ खास बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। ये इंडिया की मोस्ट एडवांस सरफेस टू सरफेस ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज मिनिमम 5000 किलोमीटर तक की है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब हुआ कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सीधा मार करने वाली। वैसे किसी मिसाइल को ICBM की कैटेगरी में होने के लिए मिनिमम 5500 किलोमीटर की रेंज चाहिए होती है, लेकिन सिंस अग्नि 5 यूरोप कॉन्टिनेंट के भी कुछ हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकती है तो ये एक ICBM है। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अग्नि 5 की रियल रेंज 8000 किलोमीटर और उससे ज़्यादा ही है, लेकिन शायद इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डाउनसाइज करके बताया है। अग्नि 5 एक 3-स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है जो 1.5 टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड को आसानी से कैरी कर सकती है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये एक फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी की मिसाइल है, यानी एक बार फायर करने के बाद ये टारगेट को डेफिनेटली हिट करेगी। अग्नि मिसाइल को इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO के अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP के तहत डेवलप और इन्हांस किया गया है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इंडिया ने इस मिसाइल का टेस्ट पहले भी किया था, आइए जानते हैं उनको। अग्नि 5 का पहला टेस्ट अप्रैल 2012 और दूसरा टेस्ट सितंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद तीसरा टेस्ट जनवरी 2015 में किया गया था। बचे हुए 3 टेस्ट साल 2018 में जनवरी, जून और दिसंबर के महीने में कंडक्ट किए गए थे। पिछले सारे 6 टेस्ट DRDO की टीम ने किए थे। हाल ही में किए गए टेस्ट स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड ने किए थे जो इन वेपन्स के यूज़ के लिए असाइंड हैं। जैसे कोई 4-व्हीलर कार बनने के बाद पहले खुद कंपनी उसको टेस्ट करती है और फिर एक यूज़र के तौर पर उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA के अंडर आती है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि NCA ग्राउंड, एयर और नेवल फोर्सेस की एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूज़ का ऑथराइजेशन है। मैप में दिखने वाला ये पॉइंट चाइना का नदर मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम मोहे सिटी है। ऐसे अपडेट्स हैं कि अग्नि 5 को इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिप्लॉय करेगा, तो इस लिहाज से अग्नि 5 की रेंज चाइना के नदर मोस्ट पॉइंट तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। इंडिया अग्नि 5 को एक MIRV मिसाइल में डेवलप करने पर काम कर रहा है।
MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल। अगर आसान भाषा में समझें तो मल्टीपल प्लेसेस पर टारगेट को अलग अलग हिट करने की टेक्नोलॉजी को MIRV कहते हैं। जैसे कोई मिसाइल पर एक वॉरहेड है और टारगेट के तौर पर एक कोऑर्डिनेट या फिर कोई एक जगह है, लेकिन ऐसी मिसाइल जिसका रास्ता ऐसा हो कि वो एक साथ कई टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है, तो ये एक और अचीवमेंट हो जाता है। वैसे कई सोर्सेस के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडिया MIRV को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहा है। अगर आपको MIRV का एग्जाम्पल देखना है तो आप 2003 में आई साइंस फिक्शन फिल्म द कोर देख सकते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है जिसकी स्पीड 5 मैच है। वीडियो के शुरू होने में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली बात थी वो ये है कि इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल की हाईएस्ट और वो भी अचीवेबल स्पीड 24 मैच है, यानी साउंड की स्पीड से 24 टाइम्स ज़्यादा। जी हाँ, 24 टाइम्स। इसको आप ऐसे समझिए कि असम के डिब्रूगढ़ से चाइना के उस नदर मोस्ट पॉइंट मोहे सिटी तक की डिस्टेंस 3,645 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को अग्नि 5 महज 7 मिनट में कवर कर सकती है। एक और खास बात, अगर अग्नि 5 मैच 24 की स्पीड पर एक बार पहुंच गई तो इसे डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कई स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया अग्नि 5 को हाइपरसोनिक की कैटेगरी के अंडर जानबूझकर क्लेम नहीं करना चाहता है। वैसे स्ट्रेटजिकली और डिप्लोमेटिकली ये एक अच्छी कूटनीति है, क्योंकि ऐसे में इंडिया के ऊपर बाकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की आंखें और भी टेढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि अभी हाल ही में रशिया की S-400 मिसाइल्स आ चुकी हैं, तो बेटर है शांति रखी जाए। अब जाहिर है कि इतनी स्ट्रांग डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना को खलेगी ही और वो उसका विरोध भी करना चाहेगा, क्योंकि इससे उसकी हेजिमनी को एक स्ट्रांग चैलेंज मिलेगा। ये इंडिया के लिए एक संतोषजनक बात है कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग डिटरेंस चाइना के अगेंस्ट बनाया है। दोस्तों, अग्नि 5 को लेकर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।